का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश शरंगा और आप देख रहे हैं न्यूज। अब तक आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। केंद्रीय शुष्क बागवानी के बीकानेर स्थित केंद्र पर किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे भी हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने शुष्क बागवानी की कार्यप्रणाली को भी गंभीरता से समझा। साथ में रहे पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर शर्मा। मंत्री कैलाश चौधरी का बीकानेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सहित किया जोरदार स्वागत। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक। अनियंत्रित ट्रोलर खंभे से टकराया, खंभे के गिरने से एक बच्चा हुआ घायल, ट्रोमा सेंटर में चल रहा है इलाज। और बादवे की दूध से पहले रामदेव मंदिरों में रंग रोगन और सजावट का काम जारी। दोपहर में तेज बारिश के बाद में मौसम हुआ सुहावना। कलेक्ट्रेट में बारिश के बाद पानी के भर जाने के बाद कर्मचारियों ने बाल्टी से निकाले पानी। पैदल जाने वाले यात्रियों के संघों की रवानगी। डूंगरगढ़ और अन्य जगहों से भी लोग हुए रवाना। पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवा करने के लिए अनेक सेवा समितियों की भी रवानगी। परिवहन विभाग रथखाना के कार्यालय को फिर से खुलवाने और आरटीओ का पद भरने की रखी मांग। श्रमिक नेता हेमंत किरण। बीकानेर अब तक और महावीर इंटरनेशनल का कार्यक्रम माई डॉटर माई प्राइड का आयोजन होगा। और शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान की अनूठी पहल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शुष्क बागवानी के बीकानेर स्थित केंद्र पर जहां किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में किसानों ने सम्मेलन में शिरकत की। शुष्क बागवानी के कौशल और तकनीक को सीखने के लिए आज यहां किसान पहुंचे थे। कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी बीकानेर पहुंचे, साथ ही साथ उनके केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल थे। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस किसान सम्मेलन में। किसान सम्मेलन में बोलते हुए जहां अर्जुन राम मेघवाल ने शुष्क बागवानी को बागवानी और खेती के क्षेत्र में एक उन्नत जो है वह तकनीक बताया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी यह तकनीक काफी बेहतर। आइए देखिए क्या कुछ कहा अर्जुन राम मेघवाल ने। आदरणीय सत्य प्रकाश जी आचार्य मंच पर विराजमान, हमारे सहयोगी विभिन्न आदरणीय डॉक्टर और मैं ले रहे हैं और हम सभी को निर्देश दे रहे हैं कि जो किसानों की समस्याएं हैं उसको हमको गांव तक जाना है और उन समस्याओं का। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम किसानों की जो भी बागवानी से संबंधित समस्याएं होगी उसको समाधान करने में हम विराम देने से पहले और कृषि के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि बहुत ही। सम्मेलन के पश्चात जहाँ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने शुष्क बागवानी को बिल्कुल अपने आंखों से देखा, उसकी कार्य प्रणाली को समझा और उन्होंने कई सवाल भी किए, उनके साथ में पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी मौजूद रहे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किसान सम्मेलन के बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहां शुष्क बागवानी को न केवल देखा बल्कि उस तकनीक को भी समझा। पाइप के आकार का बनाकर इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक लाने के बाद इसमें तीन टायर होते हैं, 1, 2, 3 टायर। हमारा नॉर्मल सिस्टम है उसके तुलना में 3 गुना ज्यादा इसमें यील्ड होती है। कौन सी प्रजाति किस सिस्टम पर अच्छा परफॉर्म करेगी, हमने 4 प्रजातियां लिया
बोला। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व बीकानेर सर्किट हाउस पर पहुंचे, जहां पर उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनके साथ में जहां भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य भी शामिल थे। आइए हम आपको दिखाते हैं सर्किट हाउस में कि कैसे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में यातायात प्रबंध समिति की एक बैठक का आयोजन रखा गया। इस बैठक में जहां लूणकरनसर के विधायक सुमित गोदारा, महापौर नारायण चोपड़ा और नोखा नगरपालिका के चेयरमैन नारायण छबर भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने यातायात प्रबंध समिति को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यातायात को बाधित करने वाले तमाम अतिक्रमण भी हटेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ अलग अलग अधिकारियों के साथ में बैठक करते हुए बीकानेर में यातायात के दबाव को कम करना, सुचारू रूप से इसको बहाल करना, ये प्राथमिकता में रखा गया। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में बीकानेर को यातायात को लेकर के एक बड़ी सौगात मिल सकती है। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम इस बात को लेकर काफी गंभीर भी दिखाई दिए। हम आपको दिखाते हैं कि यातायात प्रबंध समिति की इस बैठक को किस तरह से जिला कलेक्टर ने संबोधित किया। और उसका फोटो लगवा दीजिए, ड्राइवर का नाम, फोटो और मोबाइल नंबर। वही हमने कहा था सर, वो हमने शुरुआत बाल वाहिनी से करने बस उसी पे हमने अभियान चलाया। उसी दिन तो किया था मंत्री जी के उसका अभियान चलाया था। मंत्री सारे बाल की कुल अंतर पड़ा हर नहीं चलाया था अभियान। लॉ ने भी तो हर एक्शन हर मिनट मार देगा आदमी 50 साल के लेकर तो बिल्कुल सी मंत्री रही बोलूंगा। तो लोगों में बात के आपकी मुझे तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दो कि भाई हम ये नहीं करेंगे, ताकि और फिर जो धीरे धीरे आप उस पर कार्यवाही बढ़ाते रहो, एक साथ करोगे तो डेफिनेटली वो क्रिएट होगा कि हम ये काम करने वाले हैं और इस तरीके का हम भी चलेंगे। तो तुम बताना तो फिर आप अपनी कार्यवाही धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। सबसे पहले वो क्या होगा, जो सबसे पुराने हैं, बच्चा चला रहा है और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको बंद कराते जाओ। उनको धीरे धीरे उसमें अवेयरनेस आती जाएगी, खत्म हो जाएगा। बीकानेर में एक अनियंत्रित ट्रोलर खंभे से टकरा गया। खंभे से टकराने की वजह से वह बिजली का खंभा गिर गया। एक बालक के उससे चोट भी आई है। बालक को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हम आपको दिखाते हैं पूरा वो दृश्य जिनमें यह ट्रोला जो है वह अनियंत्रित हुआ और इस खंभे से टकराया। यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने ट्रोलर के शीशे फोड़ डाले, जहाँ पुलिस भी पहुंची और बाद में आक्रोशित लोगों को शांत किया। आइए हम आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं कि कैसे अनियंत्रित ट्रोला जो है वह खंभे से टकराने के बाद में एक बालक पर गिरा और बालक घायल हो गया। भादवे की दूज को भी रामदेव मंदिरों में विशेष मेला लगाया जाता है। शहर के रामदेव मंदिरों में भी विशेष मेलों का आयोजन किया जाता है। रामदेव मंदिरों को न केवल रंग रोगन से सजाया जा रहा है, बल्कि भक्तों का एक लंबा तांता जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आता है। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर के बाबा रामदेव के मंदिरों में कि कैसे विशेष तैयारी भादवे की दूज से पहले की जा रही है। ये रियासत कालीन के टाइम से है यहाँ पे मंदिर, और इस मंदिर में बड़े चमत्कारी मंदिर है और बाबा का यहाँ दूज को मेला भरता है और बाबा की दसवीं का भी मेला भरता है। यहाँ पर दसवीं को महाप्रसादी रखी जाती है और रियासतकालीन के समय से महाराजा जी का भी आना होता रहता था यहाँ पर, और यहाँ पर गश्त के टाइम पे भी विशेष सुरक्षा रहती थी। आगामी मेले को देखते हुए क्या तैयारी चल रही है? बीकानेर में तेज उमस और गर्मी के बाद में आज दोपहर में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से हालांकि मौसम सुहावना हो गया, लेकिन अनेक स्थानों पर पानी जमा हो जाने के कारण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सूरसागर एक बार फिर से झील बना और पूरा का पूरा गंदा पानी सूरसागर झील में समा गया। पिछले दिनों जहां नगर निगम ने गुजरात से एक मशीन भी मंगवाई थी, उसकी भी पोल खुलती हुई दिखाई दी। हालांकि बीकानेर निगम के नाकारापन को लेकर के अनेक बार खबरें दिखाई जाती रही है, लेकिन जब भी बारिश होती है बीकानेर के अनेक स्थानों पर पानी जमा हो जाता है, लिहाजा लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आपको दिखाते हैं अलग अलग स्थानों का वो नजारा जिनमें हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश चंगानी ने अपने कैमरे से कैद किया, और खासतौर से सूरसागर झील जो अब एक बार फिर से गंदे नाले में तब्दील होती हुई दिखाई देती है।
बारिश की वजह से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी पानी जमा हो गया। यहाँ पर कर्मचारियों ने बाल्टियों से पानी को निकाला। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं वो दृश्य, जिनमें खास तौर से कलेक्ट्रेट के इन कर्मचारियों ने बाल्टियों से भर भर के और इस पानी को बाहर निकाला। नथुसर गेट के बाहर स्थित है सती माता का मंदिर। सती माता के इस मंदिर में अग्रवाल समाज के लोग मेले के रूप में आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अपने बेटे के लिए माँ सती जो है उसने त्याग किया था और उसी बात को लेकर के अग्रवाल समाज के लोग इसकी मान्यता को रखते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर बीकाजी ग्रुप के चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल से की विशेष बातचीत। जो बड़ी माता जी की पूजा है, ये अपने पुत्र के पीछे अपना जीवन त्यागा था, पुत्र के पीछे अपना जीवन त्यागा था। यहाँ पे उन्होंने समाधि अपना वो सती हुई थी, तो उस सती से हमारे पूरे अग्रवाल समाज का उनको वरदान है कि उसको पुत्र की जो प्रार्थना करेंगे, उनकी जो पूजा करेंगे, उनको पुत्र प्राप्ति होगी होगी। विशेष पुत्र प्राप्ति के लिए ये बड़ी पूजा होती है, और व्यापार और घर में सलमति और उसका जीवन अच्छा चले उसके लिए मेन तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये हमारा माता जी का माना जाता है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है रोणीचा धाम। लोग पैदल जाते हैं, देश के कोने कोने से लोग निकलते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को लगने वाले इस मेले में रामदेवरा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पैदल आने वाले जातु अलग अलग तरीकों से जाते हैं, कोई साष्टांग दंडवत होकर के जाता है, कोई खड़े खड़े जो है वो जाता है, तो कोई बिल्कुल दंडवत करते हुए वहां उस दरबार में पहुंचता है। ऐसे पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए न केवल रास्तों में बड़ी समितियां होती हैं, इन समितियों के जरिए इन लोगों की सेवा और खातिरदारी भी की जाती है। पहले हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से जब अमावस की संग रवाना होते हैं तो हजारों की तादाद में लोग जो हैं वह बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए निकलते हैं। सड़कों पर केवल लोगों का रैला और काफिला ही दिखाई देता है। दिखाते हैं हम आपको कुछ दृश्य। कहाँ से? श्री डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ से कब रवाना हुए? 27 तारीख को। कुल कितने आदमी का संघ है? 110 आदमी का संघ। में सभी यात्रियों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखे हैं? सारी व्यवस्था है, ए से जेड तक सारी व्यवस्था है जी। और यात्रियों के ठहरने के लिए, जैसे अभी बारिश का मौसम है, इसके लिए आप क्या? वाटरप्रूफ टेंट है। वाटरप्रूफ टेंट है जी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वही सेवा समितियों के माध्यम से पैदल जाने वाले तमाम यात्रियों की सेवा और खातिरदारी की जाती है। यहाँ पर सेवा समितियों की रवानगी भी इस दिन होती है। कई सेवा समितियां पहले ही रवाना हो चुकी हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको आज सेवा समितियां जो रवाना हुई उनके कुछ संपादित अंक। पैदल समितियों को ले जाने वाले इन संचालकों से भी हमने की विशेष बात। पिछले 5 साल से सारे भक्तों के साथ जितने अखड़े हैं सबके साथ केंद्रीय सेवा समिति चालू की गई है। ये बीकानेर से 94 किलोमीटर पर जाके सेवा चालू करती है, जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल की सेवा विशेष रहती है, क्योंकि साथ में मेडिकल स्टाफ भी साथ में जाता है, चाय की व्यवस्था भी रहती है और बिस्कुट की व्यवस्था रहती है। 5 दिन तक लगातार ये सेवा करते हैं और वहाँ से सारे श्रद्धालु आगे निकलने के बाद ही उस कैंप को पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय गंगा बाल विद्यालय में खसरा और रूबेला का टीकाकरण किया गया। बच्चों में खासतौर से केंद्रीय सरकार के द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्राओं को रूबेला और खसरा का टीकाकरण किया जा रहा है। आज यह टीकाकरण गंगा बाल विद्यालय में किया गया। We'll be right back.
हमने गंगा बाल विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से की विशेष बात। खसरा और रूबेला टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें इस विद्यालय के अंदर 16 अगस्त को जो है टीकाकरण अभियान जो है चलाया गया। बच्चों को जो है पूर्व में ही इसके लिए तैयार किया गया था, सभी बच्चे बिल्कुल तैयार थे और क्योंकि 16 अगस्त को बच्चों की थोड़ी उपस्थिति कम थी उस दिन जो है जितने बच्चे थे सभी के जो है टीकाकरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि दो दिनों तक चले इस प्रतियोगिता में जहां सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिनमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और एथलेटिक्स के कई मुकाबले संपन्न हुए। इस मौके पर एडीजे पवन अग्रवाल ने छात्रों को विजेताओं को पुरस्कृत किया। पहले दिखाते हम आपको पुरस्कार वितरण के कुल संपादित अंक। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के पश्चात हमने एडीजे पवन अग्रवाल से की विशेष बातचीत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। ये विधिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भी सारी बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, पोस्टर पेंटिंग, निबंध, कई प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इनका प्रथम चरण ब्लॉक लेवल पे था जो कि पूर्व में समाप्त हो चुका है और आज ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इसमें आज प्रथम दिन कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मैच रखे गए हैं। इसमें पूरे बीकानेर जिले से दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आए हैं जो कि ब्लॉक स्तर पर विजेता रहे हैं। जिला स्तर पर जो भी बीकानेर में परिवहन विभाग बीचवाल स्थित कार्यालय में चल रहा है जबकि इससे पूर्व यहां रतखाना में परिवहन कार्यालय संचालित होता था। इस बात की मांग जो है वह श्रमिक नेता हेमंत किराड़ो ने उठाई। वे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकारी भवन होने के बावजूद भी रतखाना के परिवहन विभाग को क्यों नहीं चालू किया जा रहा। उनकी पूर्ववर्ती सरकारों से भी ये मांग रहे हैं, संघर्ष अब भी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी ज्ञापन दिया कि अब तक आरटीओ का पद खाली है जिस पर एआरटीओ अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमने हेमंत किराड़ो से की विशेष बातचीत। आपके चैनल के माध्यम से जनहित में जो बीकानेर से आरटीओ डिपार्टमेंट 16 किलोमीटर है, मेरी मांग हमेशा रखा परिवहन कार्यालय में जो कि सरकारी भवन है उसमें 2013 को पिछली सरकार ने बंद कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सुनी रोड पर आरटीओ डिपार्टमेंट है। दूसरी बात है बीकानेर में एआरटीओ लगा रखा है जबकि आरटीओ की पोस्ट खाली है और अक्षर पढ़ने नाइक की पोस्ट खाली पड़ी है, नफरी की कमी है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर बीकानेर में जनहित में रतखाना परिवहन कार्यालय और बीकानेर बीचवाल कार्यालय ने स्वागत कक्ष की घोषणा आज से 4 महीना पहले की जबकि मां नहीं है, ये मात्र अखबार में अपनी बढ़ाने के लिए आरटीओ कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह करता हूं कि इस समस्या का समाधान हो या आरटीओ लगे। आरएस अधिकारी जो जनता की भावनाओं को सही समझकर जनहित में निर्णय ले सके। माई डॉटर माई ब्राइड, यह कार्यक्रम अब तक के मीडिया पार्टनरशिप में महावीर इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर के और लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है। महावीर इंटरनेशनल के डॉक्टर नरेश गोयल से हमने की बातचीत। आगामी 22 सितंबर को बीकानेर के रविंद्र रंगमंच में डॉटर ऑफ बीकानेर एक प्रोग्राम बीकानेर अब तक न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वावधान में करवाने जा रहा है जिसमें बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए बीकानेर का नाम रोशन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें 5 साल से 50 साल तक की बच्चियां शामिल हो सकती हैं और जिन बच्चियों को सिलेक्ट किया जाएगा मतलब जो एंट्री प्रविष्टियाँ आएंगी उसमें हमने उनको पारितोषित करने का भी इसमें प्रोग्राम रखा है और अपने
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को प्रोत्साहित करें, बच्चियों को भेजें, बुलाएं। और बीकानेर में ऐसा प्रोग्राम पहले कभी शायद ही हुआ हो, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और राज्य सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया है, उसी के तर्ज पर ये जो बीकानेर की होनहार बच्चियाँ हैं जो बीकानेर का नाम रोशन किया है और नाम रोशन करने जाएंगी और पढ़ाई में शिक्षा के जगत में सभी तरह की बच्चियों का यहाँ स्वागत है और अपनी एंट्रीज को प्रोग्राम के अनुसार इसमें शामिल करें। और सभी से निवेदन, सभी से आग्रह, अपनी बच्चियों को प्रोत्साहित करें। हमारा तो एक ही मात्र प्रयास है, बाकी बच्चियों का स्वयं का टैलेंट हमेशा रहा है बीकानेर में और रहता भी है। और अपने लेवल पे बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ हमने यहाँ इनवाइट किया है और आए तो अच्छा लगेगा, बहुत नाइस और अच्छा प्रोग्राम भी कर। वहीं से पूरे कार्यक्रम को लेकर के आरटेक के संदीप चौधरी से भी हमने की विशेष बात। बीकानेर अब तक के चैनल के माध्यम से जो बेटियों को समर्पित कार्यक्रम डॉटर ऑफ बीकानेर के लिए आरटेक ग्रुप की ओर से सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक दिवस पर एक अनूठी पहल करने जा रहे हैं कैरियर काउंसलर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि सभी स्टूडेंट अपने बेस्ट टीचर का एक प्रोफाइल वीडियो जो है वो बना करके उन्हें भेजे। शेष 3 टीचर्स को राजमहल में डिनर का एक ऑफर दिया जाएगा। ये बात चंद्रशेखर श्रीमाली ने बातचीत के दौरान कही। गुरु शिष्य की परंपरा के आगामी 5 सितम्बर 2019 को जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बार मेरा जो एक पेज है डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली कैरियर काउंसलर फेसबुक पेज, उसमें एक अलग तरह का शिक्षक सम्मान रखा है जिसके अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर का एक वीडियो या कोई स्लोगन या उसकी कोई ऐसी गतिविधि को शेयर करे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो उनमें से जो आने वाली प्रतिभागी होंगे उसमें से हम एक जूरी बनाएंगे जो बहुत अच्छी प्रोमिनेंट जूरी होगी और वो उनमें से सेलेक्ट करेंगे 3 लोगों को। हम उन 3 लोगों को बहुत अच्छा सा एक सम्मान देंगे, उन बच्चों को भी सम्मान देंगे जिन्होंने अपने गुरु के प्रति अपनी भाव रखे हैं। तो एक नए प्रकार का अनूठा एक शिक्षक सम्मान हमारा तकनीक के साथ हम कर रहे हैं, जिसमें आपको अपना वीडियो या जो भी आप बनाना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं और हम उनको सूचित करेंगे 5 तारीख को एक बढ़िया लेविश खाने के साथ, डिनर के साथ में, जो कि होटल राज में होगा। तो ये नया प्रकार का हम जो आयोजन करने चाह रहे हैं शिक्षकों के लिए, मैं चाहता हूँ कि बीकानेर के तमाम वो स्टूडेंट जो अपने टीचर्स को श्रद्धा भाव रखते हैं और इस टीचर डे पे कुछ अलग देना चाहते हैं, तो वो इस प्रतियोगिता में भाग लें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414265156 पर हमें जो वीडियो है 3 मिनट का या आपका जो भी स्लोगन है वो हमें भेजें। हम उनमें से सेलेक्ट जूरी मेंबर से सेलेक्ट लोगों को इनवाइट करेंगे 5 तारीख को और एक अच्छा सा गिफ्ट शिक्षक को भी मिलेगा और उस स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जिन्होंने अपने टीचर्स के लिए कुछ भाव रखे हैं। और जल्दी जल्दी डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों पर। बागवानी के बीकानेर स्थित केंद्र पर किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे भी हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने शुष्क बागवानी की कार्यप्रणाली को भी गंभीरता से समझा, साथ में रहे पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर शर्मा। मंत्री कैलाश चौधरी का बीकानेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सहित किया जोरदार स्वागत। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक। अनियंत्रित ट्रोलर खंभे से टकराया, खंभे के गिरने से एक बच्चा हुआ घायल, ट्रोमा सेंटर में चल रहा है इलाज। और बाबरी की दूध से पहले रामदेव मंदिरों में रंग रोगन और सजावट का काम जारी। दोपहर में तेज बारिश के बाद में मौसम हुआ सुहावना।
कलेक्ट्रेट में बारिश के बाद पानी के भर जाने के बाद कर्मचारियों ने बाल्टी से निकाले पानी। पैदल जाने वाले यात्रियों के संघों की रवानगी, डूंगरगढ़ और अन्य जगहों से भी लोग हुए रवाना। पैदल जाने वाले यात्रियों की सेवा करने के लिए अनेक सेवा समितियों की भी रवानगी। परिवहन विभाग रथखाना के कार्यालय को फिर से खुलवाने और आरटीओ का पद भरने की रखी मांग श्रमिक नेता हेमंत किरण। बीकानेर अब तक और महावीर इंटरनेशनल का कार्यक्रम माई डॉटर माई प्राइड का आयोजन होगा और शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान की अनूठी पहल। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।